प्यारे बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण से आप सभी नवंबर के बच्चों के लिए लेकर उपस्थित हूँ संस्कृत के भाग तीन और चार। तीन और चार का अर्थ है कि मैंने कल तीन के बारे में बतलाया था, कहानी कहा था कि जो है यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में क्या बातचीत हुई और उसके प्रश्नों का जवाब आज हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले यक्ष ने कहा कि इस पृथ्वी पर कौन आश्रित दूसरे पर आता है, कौन साधु है, किसको ज्ञान कहेंगे, दया कौन है, कौन स्थिर रह सकता है पृथ्वी पर, कौन अंतकह बीमारी है, मेरे शरीर का सबसे बड़ा रोग कौन है, कैसे मित्र को त्याग देना चाहिए, के न सुईता आश्रितो लोका, कौन इस पृथ्वी पर दूसरे पर आश्रित रहता है, क साधु, साधु कौन है, किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है, का दया, दया कौन है, की अष्टावम, कौन पृथ्वी पर टिकता है, क अंत का व्याधि, शरीर के सबसे अंदर का बीमारी क्या है, कुत्र मित्रानि तेरति, कैसे दोस्त को प्यारे बच्चे त्याग लेना चाहिए, कैसा दोस्त हमारे लिए खतरनाक होता है, क सुदुर्जा शत्रु, कौन जो है सबसे बड़ा शत्रु है, किम तत्वार्थ संबोधनम, कैसे तत्व को हम लोग जो है संबोधित कर सकते हैं, रख सकते हैं, पुषाम दुर्जा शत्रु, पुरुषों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। इस तरह से ये सारे प्रश्न जो है यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि केना सुईता आशितो लोका, हे युधिष्ठिर बतलाओ कि इस पृथ्वी पर कौन है जो हमेशा दूसरे पर आश्रित होता है। यक्ष ने कहा कि महाराज, जो है इस संसार में वही व्यक्ति दूसरे पर आश्रित होता है जो अज्ञान होता है, अज्ञानी होता है, जिसको जानकार नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, वही व्यक्ति इस संसार में दूसरे पर आश्रित है। यक्ष ने कहा कि यह प्रश्न का उत्तर तुम्हारा सही है, आगे सुनो, क साधु, साधु हम किसे कहेंगे। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, जो है वही सबसे बड़ा साधु है। साधु का अर्थ नहीं कि तपस्या करना, साधु का अर्थ नहीं कि जटा बढ़ा लेना, साधु का अर्थ नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन लेना, यानी साधु वही है जो सर्वभूत हितु यानी सभी के हित के लिए काम करता है, जो सब पूरे संसार के हर जीव जंतु पर माया रखता है, दया रखता है, सब में प्राण समझता है, छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, सबको अच्छा समझता है, सबको समान समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को ही इस संसार में साधु कहा जाता है। यक्ष जो है युधिष्ठिर के इस उत्तर से भी संतुष्ट हुए और अगला प्रश्न पूछे कि किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। यक्ष ने कहा कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि सर्वभूतम तत्व संबोधनम लोभाता धनम, यानी सबके तत्व को समझने वाला, हर चीज के बारे में जानने वाला, जो है आत्मा के बारे में जानना वाला, अपने दिल के बारे में जानने वाला ही जो है ज्ञानी कहलाता है। यक्ष इस प्रश्न के उत्तर से भी संतुष्ट हुए तो आगे कहे कि किम ज्ञानम, क्या दया, का दया, सबसे बड़ा दया क्या है, सबसे बड़ा दया क्या है, सर्व सखे हितोतम त्वत्वार्थ संबोधनम स्वधर्म। तो जो है यक्ष ने के प्रश्नों के जवाब में युधिष्ठिर कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है सबको हित के काम करने वाला, सबके सुख के लिए सोचने वाला, जो पृथ्वी पर सबके लिए सोचता है वही दया है। अब यक्ष कहते हैं युधिष्ठिर से कि अगला प्रश्न है मेरा, किम अष्टय धर्म, कौन यहाँ पृथ्वी पर स्थिर रह सकता है,
किसका मरण हरण नहीं होता, कौन हमेशा स्थिर रहता है, आगे बढ़ता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो है स्वधर्म स्थिरता, अपने धर्म पर स्थिर रहने वाला मानव हम हैं, तो मानव के धर्म पर स्थिर रहे, माता पिता के सेवा करे, गुरु के आज्ञा का पालन करे, बड़ों का आदर करे, बूढ़ों का आदर करे, बच्चों पर स्नेह रखे, हर जीव पर दया करे, ऐसा जानने वालों को ही हम दयावान कहेंगे। तो जो है अपने धर्म को के कहेंगे स्वधर्म, उसी को कहा जाता है कि स्वधर्म स्थिरता, उसी का धर्म टिक सकता है, वही पृथ्वी पर स्थिर रह सकता है। अगला प्रश्न है क अंत का व्याधि, क अंत का व्याधि। प्रिय बच्चे, मानव के शरीर के सबसे बड़ा रोग क्या है, यही यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा। तो यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा कि क अंत का व्याधि, हमारे शरीर के सबसे बड़ा रोग कौन है जिसका कोई दवाई नहीं आता, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, तो यक्ष के प्रश्नों के जवाब में युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि जो है लोभा सबसे बड़ा रोग है मानव के शरीर में, लोभ करना सबसे बड़ा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। यह उत्तर जो है किसने दिया, युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का जवाब में दिया। प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है कुटा मित्रानि त्यजति, कैसे मित्र को त्याग देना चाहिए। प्यारे बच्चे, हम लोग जब मानव है तो दोस्ती तो होगा ही, हमारी भी दोस्ती आना होगा किसी से, आपकी दोस्ती आना भी होगा किसी से, लेकिन दोस्त बनाने से पहले आपको यह तराजू पर तौलना होगा। किस तराजू पर तौलना होगा, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि हमारा दोस्त लोभी तो नहीं है। अगर लोभी है तो वह कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता, हर क्षण वो अपने लोभ के, अपने स्वार्थ को सीड करने में लगा रहेगा। तो यक्ष के प्रश्नों के जवाब कि कमित्राणि त्यजति, कैसे दोस्त को त्याग देना चाहिए, युधिष्ठिर ने उत्तर दिए कि जो है लोभा कुत्र मित्राणि त्यजति, तो लोभात लोभ से आक्रांत लोभी दोस्त को त्याग देना चाहिए। आगे कह रहा है प्रश्न, यक्ष ने प्रश्न पूछा अगला कि क सुदुर्जय शत्रु, हमारा जो है कौन दूर तक रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, तो लोभा क्रोधा ज्ञानम अंतकः। तो प्यारे बच्चे, हमारा जो है सबसे बड़ा जो है शत्रु है जो है क्रोध, क्रोध जो है सबसे बड़ा शत्रु है जो हमारे दिल को बिना किसी को नष्ट कर सकता है। प्यारे बच्चे, किम तत्वार्थ संबोधनम, किम तत्वार्थ संबोधनम, कौन अपने तत्व का ज्ञान हासिल करता है, तो जो है ज्ञानम क्रोध लोभ सत्य। तो क्रोध से हो ही नहीं सकता किसी की ज्ञान, लोभ से नहीं हो सकता, ज्ञानम और अगर सत्यम दोनों में से आप कोई चेकते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो प्यारे बच्चे, मैंने आपको इस तरह से बतलाना चाहता हूं कि यक्ष ने बार बार कौन कौन से प्रश्न किया जिसका उत्तर जो है हमेशा जो है युधिष्ठिर देते गए, और अंततः जो है यक्ष संतुष्ट भी हुए, और संतुष्ट होने के बाद उनको क्या फल मिला सो देखे आगे बतला रहे हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा पुरुषाम दुर्जय शत्रु का, पुरुषों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो यहाँ आंसर में स्वर्णम सोनाम ज्ञानम क्रोधम दुख। तो पुरुषों का सबसे शत्रु मैंने बतलाया क्रोध, तो क्रोध होगा सी होगा। प्यारे बच्चे, इसका आंसर क्रोध होगा। क पुमान पंडितज्ञया, किस पुरुष को हम जो है पंडित मान सकते हैं,
क्या पंडित जाति में जन्म लेने, ब्राह्मण जाति में जन्म लेने से क्या हम उनको पंडित मानेंगे? नहीं, किसी भी जाति में अगर ज्ञानी हो तो उसको हम पंडित मानेंगे। जो है आपको भीमराव अंबेडकर पंडित जाति से नहीं थे लेकिन ज्ञानी थे। तो ऐसे पुरुष जो किसी भी जाति का हो, अगर ज्ञानवान हो, विद्वान हो, तो उसको हम जो है पुमान पंडित जानेंगे। धर्मज्ञ, धर्म को जानने वालों को भी पंडित माना जाता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है कह रहा है कि पुषाम बुर्जा शत्रु का, पुरुषों का जो है यहाँ पर शत्रु कर रहा है तो क्रोधा, ठीक है। कपुमान पंडित ज्ञा, कौन पुरुषों में पंडित का लाने के युग है? तो यहाँ जो है विद्वान होगा, और अगर इससे भी अच्छा तो यक्ष का प्रश्नों के जवाब में किसने दिया था? यक्ष के प्रश्नों के जवाब युधिष्ठिर दिए थे। उसने उन्हें बतलाया कि धर्मज्ञ, धर्म के बारे में जानना जानने वाला, कि मेरा धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, इसको जानने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित कहलाता है। लोका आविर्ता, लोक या संसार कौन चीज से छाया हुआ है? प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि बोलो कि जो है अगला प्रश्न कि यह संसार, लोक माने संसार, आविर्ता माने छाया हुआ है, यह संसार किससे छाया हुआ है? तो प्यारे बच्चे यक्ष जी ने जब पूछा युधिष्ठिर से कि बतलाओ कि यह संसार किससे छाया हुआ है, युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज यह पूरे संसार तो अज्ञान रूपी से छाया हुआ है, ढका हुआ है। पूरे संसार में अज्ञानता ही अज्ञानता है, जिसके कारण मानव सभी गलतियां करता रहता है, कर बैठता है। अगर मानव को ज्ञान हो जाए तो वह कोई गलती नहीं कर सकता। अगला प्रश्न जो है यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से, अब बतलाओ कि साधु असमिर्ता कौन जो है साधु है, निर्दयी ज्ञाने न सदया अज्ञाने न, कौन साधु है? तो साधु के बारे में जो है यक्ष ने युधिष्ठिर से जब पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो है साधु जो है सदया, सदया यानी अच्छे ज्ञान को देने वाला, सबके हृदय को जानने वाला ही जो है साधु के रूप में जाना जाता है। सुदुर्जा शत्रु कौ, सुदुर्जा शत्रु यहां पर लिखा हुआ क्रोधा, तो वही सुदुर्जा यहां होगा, क्रोधा सुदुर्जा शत्रु बी होगा। अंतका व्याधि का आंतरिक रोग क्या है, मेरे शरीर का सबसे बड़ा रोग है? तो ऊपर ही आपको बतलाया गया यहाँ कि लोभ सबसे जो है बड़ा शत्रु है, आंतकी अंत का लोभा हो जाएगा इसका। इंद्रिया निग्रह इसमें है कि इंद्रिया निग्रह क्या करता है, क्रोध लोभ धर्म अधर्म, मैंने हमारी इंद्री क्या करती है? तो इंद्री हमारे शरीर की पांच इंद्रियां होती है मानव को। अगर मानव को आगे बढ़ना हो, मानव को समाज में जगह लेना हो, मान प्रतिष्ठा लेना हो, तो अपने पांचों इंद्रियों को बस में रखना होगा, पांचों इंद्रियों पर काबू रखना होगा। अगर आपका इंद्री आपसे काबू में ना होकर बेकाबू में है तो आप समाज के लायक नहीं है। तो पांचों इंद्रियां सबको जानते हैं, उसको काबू में रखना हमारी पुरुषत्व है, और काबू में अगर नहीं है तो हम जो है विकास नहीं कर सकते, समाज के लायक नहीं है। तो इसमें जो है धैर्य होगा, यानी हमारी इंद्रिय निग्रह धैर्य, यानी अपने इंद्री पर धैर्य रखना, यानी जो है उसको काबू में रखना, यह जो है हमारी सबसे पुरुषत्व है। तो प्यारे बच्चे मैंने कल इसकी कहानी कही थी और बतलाए थे कि कल बतलाएंगे कि यक्ष ने युधिष्ठिर से कौन कौन से प्रश्न किए और सारे प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने कैसे दिया, ये आज मैंने बतलाया। और ये सारे प्रश्न
युधिष्ठिर के लिए ही यक्ष ने नहीं किया, युधिष्ठिर के माध्यम से हम सारे लोगों को दिए, हम सारे लोगों को बतलाया गया कि कौन से दुष्ट को छोड़ देना चाहिए, दयावान किसे कहेंगे, ज्ञानवान किसे कहते हैं, ज्ञानी कौन है, कौन चीज से यह पृथ्वी ढका हुआ है, जो है कौन शत्रु है हमारा, इंद्री को क्या करनी चाहिए, ये सारे प्रश्न को प्रश्न करके यक्ष ने युधिष्ठिर के द्वारा इस विश्व के पटल पर के सभी जो है मानव को बतलाया कि मानव को क्या करना चाहिए। ये नहीं प्यारे बच्चे कि ये कथा है, कथा नहीं, हमारे लिए प्रेरणादायक तत्व है, बिंदु है, हमको बतलाया जा रहा है कि हमको ऐसा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चे सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता, हमें उसकी ज्ञान को हासिल करना होगा और उसके आधार पर हमारे अपनी जीवन को निर्धारित करना होगा, जीवन में उसे बसाना होगा, तब हम मानव कहला सकते हैं और आगे विकास कर सकते हैं। पढ़ना पास करने के लिए है, लेकिन जिंदगी की आप नाव को तभी पार कर पाएंगे जब उसको जीवन में उतारेंगे। तो प्यारे बच्चे कल हम आपको चतुवारों वेदा पाठ का लेकर उपस्थित रहेंगे। चतुवारों वेदा का अर्थ होता है चार वेद हमारे इस विश्व में है, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब किसमें कितने तत्व हैं, किसमें कितने जो है ना मुक्ति है सुक्ति है, ये सारे चीजों के जवाब हम कल देंगे कि वेद कितने हैं, किस वेद में किसकी चर्चा है, कौन सी वेद हमारे लिए किस राह पर ले जाने वाली है, किस वेद में कौन सी ज्ञान मिलती है, वेद अध्ययन करना क्यों जरूरी है, वेद अध्ययन करने से क्या लाभ होती है। प्यारे बच्चे आपको मालूम है कि विषय वस्तु में यानी हमारी शिक्षा के पढ़ाई कर्म में जो भी किताबें हमें मिलती है अच्छी राह दिखाने के लिए ही मिलती है, जो भी पाठ इसमें संलग्न किया जाता है अच्छी राह दिखाने के लिए ही किया जाता है, चाहे वह पाठ फिल्मी दुनिया से हो, चाहे वह पाठ किसी जो है कुख्यात डाकू से हो, चाहे वह पाठ किसी साधु से हो, लेकिन हर चीज के द्वारा हमें लास्ट में यह बतलाया जाता है कि मानव को कैसे रहना चाहिए। रामायण देखना सुनना बड़ी बात नहीं है, उसमें जो है रावण के गुण भी है, राम के भी गुण है। हमें अंततः रामायण पढ़ने के बाद हमें यह ज्ञान हासिल होनी चाहिए कि हमें राम के गुण पर हासिल करना चाहिए, राम के जैसा बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोच रहे कि रावण जो है ऐसे किया, रामायण में तो है रावण ने ऐसे किया, हम भी करेंगे, ऐसा नहीं। किसी भी आपने बहुत से फिल्म देखे होंगे, फिल्म के लास्ट में अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि मानव को ऐसा नहीं करना चाहिए और मानव को ऐसा करना चाहिए। तो हम चतुवारों वेदा में कल लेकर उपस्थित रहेंगे इसी चीज को कि हमें कौन वेद क्या ज्ञान हासिल देती है। तो प्यारे बच्चे अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यह चैनल आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ देता रहे। जय हिंद।